माई नेम इज़ पूजना पार्टिन एंड एंड स्टेइंग इन नासिक सो मींस फर्स्ट टाइम जब हमें पता चला कि मैं पॉजिटिव हूँ कुछ मैंने बाद बेबी आने वाली वो एक्साइटमेंट तो अलग थी हमारी उसमें हमने बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देखे थे बट uh, जब वैसे जैसे ट्रीटमेंट आगे बढ़ती गई सो uh, so हम मतलब एक अलग सा एक्सपीरियंस और तकलीफ भी साथ में थी बट जब फाइनली सर को हमने बोला मतलब मेरी सा पूरे मंथ कंप्लीट हुए और सर को बोला कि हम ये ये डेट को फाइनल डिलीवरी करना चाहते हैं तो सर ने बोला ओके okay, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस दिन सुबह आ जाओ बट एक डर था क्या होगा कैसे होगा सी सेक्शन का कुछ एक्सपीरियंस नहीं था मतलब सुना था यूट्यूब चैनल देखे थे बट तो एक डर रहता है बट फिर भी जब बेबी की फर्स्ट टाइम आवाज़ सुनी तो उसी टाइम पे आग में आंसू आ गए थे मुझे आधी मतलब आधे ही होश में थी लेकिन फिर भी मुझे अच्छे से याद है मैंने पूछा था मेरी बेबी कैसे है फिर उसके बाद जब अच्छे से होश में आई तो बाकियों को मतलब हौसली मेरे हस्बैंड को देखा और पूछा क्या है तो उन्होंने बताया था मुझे कि एक लड़का और लड़की है ये फीलिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी थी कि हम दोनों और हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई ऐसा नहीं कि चलो बाबा अभी लड़के की चाय या फिर लड़की की चाय जो भी था वो कम्प्लीट हो गया मत डोंट नो सर सर को तो थैंक यू बोलूँगी मैं मैं पहले से ही सर पे डायरेक्टली बोल दिया था सर मैं आपसे मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ मैं आप पे और अभी भी मतलब हाथ में है बेबी द फीलिंग ही अलग एक माँ होने की और मतलब पहले तो भी एडमिट होती थी किसी चीज की वजह से तो ये सिर्फ आते थे जाते थे अभी टाइम निकाल के ऑफिस से शाम को भी दो घंटे आके बैठते झगड़ा भी हो जाए फिर भी आके बैठते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ बेबी मतलब है वो एक चीज अलग है फैमिली कंप्लीट होने की और मतलब कुछ चीजें हैं बच्चों की वजह से जो अवॉइड हो रही है